दोस्तों आज हम एक प्रॉब्लम को देखेंगे जिसका नाम है चॉकलेट चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें हमको क्या करना है, हमारे पास चॉकलेट्स के पैकेट हैं। ओके, चॉकलेट्स के पैकेट हैं और इसके अंदर चॉकलेट्स रखी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, ये चॉकलेट मान लो इसे, ठीक है, इसमें तीन रखी हुई हैं, इसमें मान लो एक रखी हुई है, ठीक है, इसमें मान लो कि एक, दो, तीन, चार, तीन है और ये है चार, ठीक है, चार रखी हुई हैं, इसमें मान लो दो रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए चॉकलेट्स के पैकेट, चॉकलेट पैकेट्स, है ना। अब इसके बाद है कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे, ठीक है, तो ये बच्चे कितने भी हो सकते हैं, है ना, और ये नंबर ऑफ चॉकलेट पैकेट्स भी कितने भी हो सकते हैं मेरे पास, राइट। और ये कुछ बच्चे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको ये जो चॉकलेट के पैकेट हैं, चॉकलेट नहीं बांटनी है, चॉकलेट के ये जो पैकेट्स हैं ये बांटने हैं, ठीक है। तो हम कैसे बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, ये चार पैकेट है ना, तो इसमें से हम ऐसा बांट सकते हैं कि तीन वाला पैकेट इसे दे दिया, ठीक है, ये वाला पैकेट दे दिया इसे, ये वाला दे दिया इसे, तो ठीक है, तो इसको मिलेंगे तीन, इसको मिलेगा एक, ठीक है। तो ऐसा करने से दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आएगा 3-1 2, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि भाई ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना भाई, इसे ज़्यादा क्यों दिया, इसे कम दिया, ठीक है। तो ठीक है, मुझे चॉकलेट इस तरीके से बांटनी है, चॉकलेट मैं इस तरीके से बांटूंगा कि ठीक है सब बच्चों पे भी बढ़ जाए और ठीक है और ज़्यादा मतलब डिफरेंस भी ना आए, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको पहले वाले को ये एक चॉकलेट वाला पैकेट दूं, इसको चार वाला दूं, तो तब भी डिफरेंस तीन आ गया, ठीक है, तो फिर से ये ज़्यादा आ रहा है। एक और देखते हैं, अगर मैं इसे एक देता हूँ, इसे मैं दो देता हूँ, तो अब कितना डिफरेंस आ रहा है, एक। ओके, और एक और तरीका क्या है, थ्री है ना, तीन वाला पैकेट दूंगा, इसे चार वाला पैकेट दूंगा, तो अब कितना डिफरेंस आ रहा है, एक, ठीक है। तो ये दो इसके मतलब सॉल्यूशंस होंगे और मेरे को ये चाहिए मिनिमम डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, मिनिमम डिफरेंस कितना होगा, है ना, सभी तरीकों में से, है ना, जो भी तरीके हैं जिनसे मैं इन चॉकलेट पैकेट्स को इनको बांट सकता हूँ। ऑलराइट, अब मान लो कि तीन लोग हैं, ये तो दो का एग्जांपल देखा ना, तीन लोग हैं, अब कैसे बांट सकता हूँ, ठीक है, अब कैसे बांटूंगा, मान लो तीन इसे दिए, एक इसे दिया और चार इसे दिए, तो अब कितना आएगा डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस हमको क्या करना है, जिसको सबसे कम मिला है और जिसको सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक है, वो वाला डिफरेंस देखना है, तो ये है तीन, है ना। और दूसरा क्या तरीका है, इसको मैं एक एक वाला पैकेट दूंगा, इसको चार वाला, इसको दो वाला, अब कितना है, ये भी हमारा हो गया तीन। और क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं तीन वाला दे दूंगा, इसको चार वाला और इसको दो वाला, अब कितना हो गया, चार में से दो गया दो, ठीक है। तो ठीक है, तो यही, अगर ये तीन है बच्चे तब मिनिमम डिफरेंस दो है, और अगर दो बच्चे हैं तो मिनिमम डिफरेंस वन है। ओके, तो यही मेरी प्रॉब्लम है, हमें यही करना है। ऑलराइट, तो हम
देखते हैं हम इस लाइक प्रॉब्लम को फॉर्मलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी पैकेट्स हैं ये होंगे हमारे एरे की फॉर्म में। तो ये मेरा एरे होगा, जैसे मान लो ये एरे ए है, ठीक है, इसके अंदर इनकी वैल्यू स्टोर होगी। इस चॉकलेट में कितने मतलब इस पैकेट में कितने चॉकलेट्स हैं, 3, 1, 4, 2। ठीक है, ये इसका हो गया। और बाद में हमारे पास एम दे रखा होगा, एम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन बोल दो आप। तो यहाँ पे हैं 2, ठीक है, ठीक है। तो हमें इस तरह से देख रहा है, और हमें क्या निकालना है, हमें रिटर्न करना है मिन माइनस मैक्स। ठीक है, जब हम इन चॉकलेट्स को इन बच्चों में बांटोगे तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालना है, और हमें ऐसा डिफरेंस निकालना है जो कि मिनिमम होगा। ऑलराइट, तो ये है ये प्रॉब्लम। तो इसको देखते हैं हम कि मतलब किन तरीकों से कर सकते हैं। लेट्स सी द अप्रोच वन क्या होगी। हम क्या करेंगे कि इसके ठीक है ना, ये चार एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स को मैं 2 में डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, चार में से मैं 2 को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सारे वो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके कितने वेज हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, चार ऑप्शंस हैं, उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, 4C 2 वेज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर डुप्लीकेट्स होंगे तो फिर वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, तो ये होगा। तो कैसे हो सकता है, देखो 2 में करना है डिवाइड, तो 3 1 हो सकता है और 1 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। ओके, आई थिंक यही हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो बस सेलेक्ट ही करना है, और तो ये आ गए हमारे। और फिर हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस को निकालेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ आ जाएगा 2, 3, 2, 1, 1। ऑलराइट, अगर मेरे पास m क्या है, 3 है, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4, 1 4 2, ठीक है, 3 4 2 है ना, और कोई है क्या बचा हुआ, 3 4 2 1 4 2। ठीक है, तो इसमें यही निकलेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसेट्स निकाल दिए। अब मैं इस सबसेट में मिनिमम और मैक्सिमम निकालूंगा। तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1। ठीक है, और इसमें मिनिमम मैक्सिमम क्या है, मिनिमम है 1 4 3 आ जाएगा, इसमें है मिनिमम 2 3, ये आ जाएगा 1। ओके ओके, यहाँ पे मैंने गलत किया था, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एरे के है ना ऑल सबसेट्स निकालेंगे। ठीक है, और सबसेट्स निकालेंगे ऑफ साइज एम, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद सारे सबसेट्स का, ऑल सबसेट्स डिफरेंस निकालेंगे, सारे सबसेट का डिफरेंस निकालेंगे, और उन सब डिफरेंस में से जो मेन होगा, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी वो। ठीक है, ओके, वो एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, क्योंकि हम इसमें ये इतने नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें हम उसे डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये वाली अप्रोच सिंपल है, लेकिन कोड करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि
ओके, तो एक अप्रोच ये है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगला हमारे पास क्या अप्रोच है, अप्रोच टू क्या है? अप्रोच टू में हम क्या करेंगे कि इस एरे को सॉर्ट कर देंगे पहले। ऑलराइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सॉर्ट कर दिया। ऑलराइट, अब एम हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे 2 है तो हम दो दो के हम क्या करते रहेंगे, एरे लेते रहेंगे दो को, दो दो के, ठीक है। ये वाला एरे इसका मिनिमम कितना है, 1। 2 3 को लेंगे तो इसका कितना आ रहा है डिफरेंस, 1। 3 4 को करेंगे तो 1। ओके, और जो मेरा फाइनल आंसर होगा इन सब का मिनिमम होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर m इक्वल टू 3 हुआ तब क्या करेंगे, तब मैं 3 3 के लूँगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें मैं पहला और लास्ट एलिमेंट का निकाल लूँगा, तो यही इसका क्या होगा मेन, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है तो स्टार्टिंग वाला मिनिमम होगा, आखिरी वाला मैक्सिमम होगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2। और वैसे ही मैं अगला बनाऊंगा 2 3 4, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, है ना, 4 माइनस 2 आ जाएगा 2। ओके, ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, 2 3 4। ओके, 2 3 4 बना है, सॉरी यार गलती कर रखी है, यहाँ पे 2 आएगा, ये यहाँ पे 2 आएगा, आई डोंट नो क्यों हो रही है ये गलतियाँ। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू 2, और यही मेरा आंसर होगा। ऑलराइट, तो अप्रोच टू में हमने क्या करा, सॉर्ट करा, फिर हमने क्या करा, सब एरे निकाले, ठीक है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सब एरे ऑफ साइज एम निकाले, ठीक है, और उन एरेस में से मिन मैक्स डिफरेंस निकाला है, मिन मैक्स का डिफरेंस निकाला है, और जो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा इन सभी डिफरेंसेस का जो मिनिमम है वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलराइट, तो इसका हम कोड देखते हैं कि कोड क्या होगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका अब हम जल्दी से कोड देख लेते हैं। देखो कोड होगा, देखो डिफरेंस, चॉकलेट प्रॉब्लम, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट प्रॉब्लम। अब हम इसमें सेल्फ, ठीक है, ये पाइथन में कर रहे हैं हम, सेल्फ ए एन और एम, ठीक है, एन वो है, एन साइज ऑफ ए है, यहाँ पे एम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ये एन हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स है, या फिर द साइज ऑफ ए। ऑलराइट, तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, ए को क्या कर दूंगा, ए इज इक्वल टू सॉर्टेड, ए को सॉर्ट कर दूंगा, ए को सॉर्ट कर दिया, और इसमें मैं बेस कंडीशंस को डालूंगा, ठीक है। अगर मेरा एन इक्वल टू 0 हुआ या फिर एम इक्वल टू 0 हुआ, एन इक्वल टू हुआ 0 मतलब कोई पैकेट्स ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और बच्चे ही नहीं है तो फिर मैं उन पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करूँगा, ठीक है।
ठीक है, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो रिटर्न कर देंगे हम जीरो। अब इसके बाद आता है इफ, अगर मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ पैकेट से, तो फिर तो हम डिवाइडिंग ही कर सकते ना, तो मतलब यही बनता कि हम बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं और पैकेट एक ही है, कैसे डिवाइड करेंगे दोनों में। और एक तो आंसर हम -1 कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये इंडेंटेशन का ध्यान रखना। एक टैब आता है इसमें ना फंक्शन में, ठीक है, टैब के बाद लिखना होता है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे डिफ, ठीक है, इसमें हम डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैक्स डिफ को स्टोर कर लेते हैं, मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, आखिरी एलिमेंट ले लो, एक मिनट, ठीक है, ए का आखिरी एलिमेंट ले लो, तो n-1 माइनस ए ऑफ 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स डिफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा एरे को मैंने सॉर्ट कर दिया है और उसका मैंने मिनिमम उठाया, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम उस पूरे एरे का, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये मैक्सिमम होगा ना। ओके, अब मैं लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टेम्प -n+1, ठीक है। तो मान लो मेरा एरे का साइज मान लो 5 है, मान लो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे 3 है, ठीक है। तो कंटिन्यूस सब एरे 3 साइज के कितने बनेंगे, देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, ओके। तो पहला कौन सा बनेगा, पहला मेरा बनेगा, ठीक है, ये वाला एक, ठीक है, पहला ये बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा, एक सेकेंड, दूसरा बनेगा ये, और तीसरा कौन सा बनेगा, ये, ओके। तो ये मेरा क्या है, एन, ये मेरा है एम, ठीक है, और ये कितनी बार चला, एक दो तीन, है ना, 3 ही मैं बना सकता हूँ। तो मेरा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, इधर तक चलना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी सब एरे है ऑफ साइज 3, ऑलराइट। तो ठीक है, मैं 0 से शुरू करूँगा, 0 से कहाँ तक जाऊँगा, ठीक है ना, जो भी एरे का साइज है n-m कर दूंगा, ठीक है ना, एन एन माइनस एम, 5-3 कर दिया, 2 आ गया, तो 0 0 1 2, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे यहाँ जाना है, लेकिन रेंज में मैं +1 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो भी मैं वैल्यू यहाँ डालता हूँ उससे एक कम चलाता है ना। अगर मैं फॉर, अगर मैं रेंज लिखूँ, रेंज एन लिखूँ, तो इसका मतलब कहाँ तक चलाएगा, 0 से n-1 तक, ऑलराइट। तो जैसे ही मैंने रेंज, अगर मैंने ये लिखी है, ठीक है, अरे यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ एन लिखो सीधा, क्यों कॉम्प्लिकेट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एन, ऑलराइट। अब मैं क्या करूँगा, ये लिखूँगा डिफरेंस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ठीक है, इस डिफरेंस का, या फिर जो मैं सब एरे है एक एक करके जो मैं देखूंगा 2 3, उसमें से मिनिमम उठाऊंगा उस सब एरे का और मैक्सिमम उठाऊंगा, उन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। तो वो कैसे निकालूंगा, ए ऑफ, ठीक है, ए ऑफ एम, ठीक है, क्या करूंगा, ए ऑफ i+m-1 -a ऑफ
आई, ठीक है, आई प्लस एम, जहां पे भी मैं हूं उससे एम टाइम्स आगे बढ़ूंगा, ठीक है, और उसका आखिरी एलिमेंट लेना है तो -1 कर दूंगा, ठीक है, तो ऐसे करके आ जाएगा। और मेन के अंदर से लिखा, क्योंकि जो सा मिनिमम है वो इस तरीके से फाइंड हो जाएगा, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा डिफ को, ठीक है। तो यही आपका कोड है और इससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये चलाया हमने, ठीक है, तो मान लो सबसे सही एल्गोरिथम जैसे हमारी हीप सॉर्ट होती है, तो ये एन लॉग एन में चल जाएगा, ठीक है, और ये तो मेरा सिंपल लूप है तो ये ऑर्डर ऑफ एन में चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सा एन में, एन लॉग एन, तो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑलराइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी, क्योंकि मैंने कोई एडिशनल एरेज तो लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये डिफ वेरिएबल लिया है, तो इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। ओके ठीक है दोस्तों, तो यही था प्रॉब्लम आज का। आई होप मज़ा आया होगा आपको ये देखने में, और कुछ भी मैंने गलती करी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल कोडिंग क्राफ्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सी यू गाइस, हैव फन, बाय बाय।